सेवेंथ इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो ये जो फंक्शन है ठीक है, इसको इन्होंने बस ऐसे ही सिंपली लिख दिया. तो मैं क्या करूंगा अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम, मैं बोलूंगा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस. तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स में स्टोर करा दिया, इस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया. ठीक है, ये क्लोज इंटरवल दिया है 0 to 3. ठीक है, 0 और 3 को इंक्लूड करना है, यानी कि एंड पॉइंट्स पे आपको फाइंड करना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि बच्चे बोलते हैं सर लोकल मैक्सिमा वैल्यू की बात कर रहा है कि लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है. एक बात बताओ, जब उसने इंटरवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 3 क्लोज इंटरवल कर दिया, तो आपको ये खुद सोचना चाहिए वो पूरे इस एंटायर इंटरवल में, पूरे इंटरवल में वो आपको पूछ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, कौन से पॉइंट पे मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना पूरे इंटरवल में. तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो कहना चाहता है कि एब्सोल्यूट पूरे फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम आपको बतानी है. ठीक है, तो ये आप खुद सोचना आपको पड़ेगा. तो सॉल्यूशन एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम फाइंड करें तो करिए, ये 4 आ गया जाएगा, 4 3 12 और एक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे, -8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 12 कितना हो जाएगा 24 और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देंगे -48x का 48 और 25 का हो जाएगा 0. करेक्ट, तो ये हो गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको अगर आप 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है बात समझिए जरा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है. और उससे पहले हम एक काम करते हैं क्या, कि यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं क्या 12. देखो 12 पूरे में कॉमन आ रहा है, तो हमने 12 पहले कॉमन ले लिया. करेक्ट, 12 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 4, ये हो गया. अब इसको 0 के इक्वल रखोगे तभी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे. और चेक करो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि उम्मीद है हमको शायद x की 3 वैल्यूज मिल जाए. देखते हैं, 12 तो 0 हो नहीं सकता है तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ठीक, इसको मैंने आपको करना सिखाया था. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो लास्ट वाला टर्म है 4, इसके फैक्टर कर लो. ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी कि 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से 2 से और खुद 4 से. अब एक बार इसमें प्लस माइनस 1 रखो, प्लस माइनस 2 रखो और प्लस माइनस 4 रख के चेक करो कि x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल आपका, मतलब ये जो है जो भी ये फंक्शन है 0 के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो चेक करते हैं. याद होगा आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था x इक्वल्स टू 1 रखो, अगर फटाफट पहले 1 रखो चेक करो, उसमें 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 वन 2 माइनस 4, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि आंसर माइनस 3 आ जाएगा. ठीक, x की जिस वैल्यू पे ये 0 आ जाएगा, मान लो कि x इक्वल्स टू 1 पे ये 0 आ जाता, तो हम बोलते हैं कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है. फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड लगाते हैं और दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं. अभी समझ में आएगा जिनको नहीं आता है. अब x इक्वल्स टू माइनस 1 भी रखोगे तो 0 नहीं आएगा मेरे ख्याल से. x इक्वल्स टू 2 रख के पुट करो, चलो फटाफट पुट करो. x इक्वल्स टू अगर मैं 2 इसमें पुट करूँ, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो माइनस 8 प्लस x की वैल्यू 2 रख लो, 2 टू 4 माइनस गया 0 आ गया, चेक करो इससे कैंसिल हो गया इससे. इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 रखने से 0 आ गया, तो x माइनस 2, 2 को लेफ्ट में ले जाऊँ तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा. ठीक है, तो x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, यानी कि इस पूरे को अगर हम किससे डिवाइड लगा दें, x माइनस 2 से. फैक्टर होने का क्या मतलब है कि अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, हाँ पॉलिनोमियल ही बोलूंगा, चलो अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस 2 इसको डिवाइड कर देगा. ठीक है, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th की चीज़ें हैं ये. ठीक है, तो मान लो कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पे 0 आया होता, मान लो x की वैल्यू माइनस 2 इसमें रखने पर 0 आया होता, तो x प्लस 2 क्या होता है, इसका फैक्टर होता, तब हम x प्लस 2 से डिवाइड लगाते इस पूरे को. अब डिवाइड क्यों लगा रहे हैं वो अभी देख लीजिएगा. तो हमारे पास है क्या, देखिएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आप आराम से चेक कर लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 डिवाइड लगाना आता है. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड लगाओ, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड लगाओगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. यहाँ कॉपी करो एक्स स्क्वायर से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर के नीचे कॉपी कर देंगे, हम माइनस करते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर गया और कॉपी कर लिया हमने 2x, देखिए पॉजिटिव है, और माइनस 4. करेक्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, 2x है, तो 2x को डिवाइड लगाओ किससे, x से, तो 2x को x से डिवाइड लगाओ, x x गया, 2 आ गया प्लस का 2,
तो प्लस का 2 लिखा, प्लस का 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स, 2x, और 2 इंटू माइनस 2, माइनस 4 साइन चेंज, माइनस प्लस देखो कैंसिल कैंसिल, 11 0 आ गया कि नहीं। और ध्यान से चेक करो, मान लो अगर मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 4 8 होता है, यहाँ रिमाइंडर 0, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, मतलब 8 की जगह मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से इस पूरे की जगह आप दिस इंटू दिस लिख सकते हो, यही बात होगा, रिमाइंडर 0 हो गया, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यही आएगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करो कि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो या तो x माइनस 2 0 होगा। अगर x माइनस 2 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर आप 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2। और आपको तो पता है क्या कि x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2। हाँ भाई, ये क्या हो गया, नो रियल रूट्स, ये तो इमेजिनरी आ गया। स्क्वायर रूट लोगे किसी नेगेटिव नंबर का तो वो क्या होता है, वो होता है आपका कैसा, इमेजिनरी। यानी कि जब हम इस पोर्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की कोई भी रियल वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। तो इतना कॉपी कर लीजिए आप, फिर मैं आगे बताता हूँ। इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब हम ये चेक करेंगे। ओहो, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, इसको ही क्योर अप कर दे रहे हैं हम, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ये 12x³, 4। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया, अब हम चेक करेंगे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। ओके, और वही जाके शायद बाद में एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाए। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना है आपको, ये शायद मैंने आपको किसी पार्ट में बताया नहीं और ये कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका x आया है, ठीक है, 2, आपको चेक करना है कि जो आपका पॉइंट आया है वो इस इंटरवल में आ भी रहा है कि नहीं, यानी कि 0 से 3 के बीच में 2 आता है, हाँ आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी कॉपी में कि ऑल्सो, भाई पता लगा ये जो 2 है ये इस इंटरवल में ही ना आता हो, मान लो हमारी x की वैल्यू 4 आ जाती, तब भी हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि 4 तो इस इंटरवल से बाहर चला जाता। ठीक है, या x की कोई नेगेटिव वैल्यू आती तो 0 के पीछे आता, वो भी छोड़ देते, बट हमको पता है कि 2 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल, 2 बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 0 टू 3, करेक्ट। तो क्या करोगे बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, क्या इजी रहेगा, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव ही कर लेते हैं यार, क्योंकि वैल्यू तो वैसे भी रखनी पड़ेगी। तो x इज इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x का साइन चेक करो, यानी कि 2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो 0, तो f डैश ऑफ 0 अगर हम चेक करें, ये 0 ये 0 ये 0 माइनस 48 आ गया। ठीक है, तो लेस देन 0 आ गया, f डैश ऑफ x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया। ठीक, अब राइट में चेक करते हैं, तो 2 के राइट में कोई नंबर चूज करो, लेट अस से 2 के राइट में क्या चूज करें, 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो f डैश ऑफ 3 हमने चूज किया। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 3 9 27 27 × 12। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर लीजिए, मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 27 × 12 ये आ जाएगा 324 माइनस x की वैल्यू 3 रखा हूँ मैं, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, तो 24 × 9 216 और प्लस 24 × 3 कितना हो जाएगा, ये 24 × 3 72 और माइनस 48, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 324 माइनस 216 प्लस 72 और माइनस 48 इज इक्वल्स टू 132 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर f डैश ऑफ x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो नेगेटिव से साइन कैसा चेंज हो रहा हमारा, पॉजिटिव, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, याद है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, करेक्ट। अब देखते हैं कि ये x इज इक्वल्स टू 2 हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा बनता है कि नहीं बनता है, तो चलिए एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या, x इज इक्वल्स टू 2 पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले चलो 0 पे ही निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, ये खत्म, 0 की पावर 4, ये 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, 0 0 x की वैल्यू 0 को, ये भी 0 25। ठीक, उसके बाद
एफ ऑफ टू पे निकालते हैं, एफ ऑफ टू क्रिटिकल पॉइंट टू पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू की पावर फोर अगर कितना 16 16 16 3 48 और टू की पावर थ्री 8 होता है और 8 8 64 तो -64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 12 चौके 48 प्लस 48 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 96 हो जाएगा -96 और प्लस 25। थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम तो देखिए 48 48 96 होगा और ये -96 को कैंसिल कर देगा, फिर -64 और प्लस 25 तो 14 -5 9 और 5 -2 3 ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना -39 आ गया, कहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 पे। अब x इज इक्वल्स टू 3 पे फाइंड करते हैं तो निकालिए 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 81 और 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 1 8 और 8 3 24 248 हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से तो यही होगा, कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 3 1 3 3 8 24 होगा ना तो 243 हो जाएगा ये माइनस। आगे सॉल्व करते हैं 3 3 9 और 9 इंटू 24 कितना हो जाएगा 24 इंटू 9 4 36 3 9 2 18 20 216 सॉल्व आप खुद कर सकते हो भाई ठीक है। और प्लस ओहो कहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ, कहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ, मुझे फंक्शन में रखनी है वैल्यू, मैं तो डेरिवेटिव में रख दे रहा हूँ, सॉरी आप फंक्शन में रखिए, मेरी नज़र यहाँ चली गई। तो एफ ऑफ 3 पे निकालना है ना, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ये कितना आया था 243 आया था ये ठीक है, माइनस x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 3 तो 27 इंटू 8 तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा 76 5 8 2 16 और 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 तो 216 हो जाएगा ये ठीक है। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 21 ही तो हो जाएगा ठीक है। और प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108 ओके okay, और -48 इंटू 3 3 8 24 और 2 3 4 12 214 और प्लस 25 करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, आप स्टूडेंट्स को सॉल्व करिएगा, मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, हाँ भाई क्योंकि समझाने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है और फिर कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है ना, तो वो सब आपका काम है यार ट्वेल्थ क्लास में हो ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और क्या चाहिए। ये आ गया 16 करेक्ट। तो अब आप मुझे यहाँ से देख के बताओ क्या कि 0 पे 25 आ रहा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ कर रही है x इक्वल्स टू 0 पे और एब्सोल्यूट मिनिमम हो गई -39 कहाँ कर रही है x इक्वल्स टू 2 पे, बस समझ में ही। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3 इज 25 अकरिंग एट x इक्वल्स टू 0 एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल्स टू एट 0 एट नहीं होना चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 3 इज -39 अकरिंग एट x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके आंसर करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स।